हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वे अचीवर्स में। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे कंप्यूटर के विकास में हमने सबसे पहले पढ़े थे कि किस प्रकार से कंप्यूटर का सबसे पहले उद्भव हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े थे कि कंप्यूटर के विकास की जो वर्गीकरण पढ़े थे उसमें हमने पढ़े थे हार्डवेयर के आधार पर प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ, पंचम पीढ़ी तक हमने गए थे, सबके बारे में अच्छे से जान लिया था। उसके बाद हमने कार्य पद्धति के आधार पर पढ़े थे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर तथा हाइब्रिड कंप्यूटर हमने इसमें अंतर्गत पढ़े थे। तथा आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास के अंतर्गत आकार के आधार पर कंप्यूटर किस प्रकार से होते हैं। सबसे हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे मैंने कल बता दिया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर। इस प्रकार से हम कंप्यूटर आकार के आधार पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा पढ़ते हैं? मेन फ्रेम एक्चुअल कंप्यूटर क्या होता है? यह बहुत बड़े रक्षा अनुसंधान या वैज्ञानिक अनुसंधान में काम आता है, जिसको एक बोल सकते हैं कि एक प्रकार के यह वर्क स्टेशन है। मतलब इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, ये बोल सकते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, का सीपीयू। ठीक है, इसके बाद इसके साथ कनेक्ट होता है डिस्क ड्राइव। इसके बाद कनेक्ट होता है इसके साथ टेप ड्राइव। टेप ड्राइव्स तथा फिर इसके साथ कनेक्ट होता है मेनली हमारे छोटे छोटे मिनी कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमें कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं यहां, इस प्रकार से हम मुख्य कंप्यूटर यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर से हम बाकी अन्य संस्था की कंप्यूटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार की वर्क स्टेशन है, जो एक सेंट्रलाइज तरीके से सभी जो पर्सनल कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम बोला जाए कि ये एक मेन सेंट्रल डाटाबेस होता था, यानी मुख्य या सीपीयू, मेन फ्रेम का यह सीपीयू होता था। तथा इसी के साथ इसकी जो स्टोरेज रेंज थी, स्टोरेज क्षमता थी, वो काफी अधिक थी। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता थी वो काफी अधिक थी। ठीक है, सबसे पहले इसमें बोला जाए, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, जो कंप्यूटर आपने अपनी मेन फ्रेम कंप्यूटर से जोड़े थे, तो यह एक मल्टी यूजर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मल्टी यूजर्स मतलब एक साथ इसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट करके हम इसमें कार्य कर सकते हैं। मल्टी यूजर्स कनेक्टेड है तथा यह सामान्यतः
32 या 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर पर कार्य करता है, माइक्रो प्रोसेसर पर कार्य करता है। कितने? 32 तथा 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर पर यह कार्य करता है। इसी के साथ इसमें मुख्यतः मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता था तथा यह इसका मुख्य उपयोग, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि यह इसका मुख्य उपयोग रक्षा अनुसंधान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में कार्य होता था तथा इसका उपयोग रेलवे में टिकट आरक्षण में इसका टिकट आरक्षण में मुख्यतः कार्य होता था। ठीक है, समझ में आ गया। यह हो गया मुख्यतः मेन फ्रेम के बारे में, जो इसका डायग्राम हो गया। कृपया आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। उसी के साथ हम पढ़ते हैं अभी मिनी कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट लेने की कोशिश करूंगा क्योंकि यह टॉपिक हमें आज कंप्लीट करना है, जैसे कि थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लेने की कोशिश करूंगा। मिनी कंप्यूटर क्या होता था? मिनी कंप्यूटर सबसे पहले 1965 को डेक नाम की कंपनी थी, डीईसी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी थी जिसने 1965 में मिनी कंप्यूटर बनाया था। 1965 में इसने मिनी कंप्यूटर बनाया था। इसमें एक डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी ने 1965 में मिनी कंप्यूटर बनाया था। यह मेनफ्रेम कंप्यूटर के आकार में छोटे होते थे परंतु काम उसका वही होता था जो मेनफ्रेम कंप्यूटर मुख्यतः करते थे। मतलब यह मल्टी यूजर्स कंप्यूटर था, इसमें स्टोरेज क्षमता अधिक थी, यह एक साथ बहुत सारे यूजर्स को लेकर काम करता था, यह भी एक सेंट्रल हब की तरह कार्य करता था। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत अच्छी थी। इसका उपयोग मुख्यतः डिफेंस में बोल सकते हैं या एक बड़े ऑफिस में, एक बड़े संस्था में, यानी पूरे बिल्डिंग में जो एक संस्था होती है उस संस्था को सेंट्रल हब देने में यह मिनी कंप्यूटर कार्य करते थे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो आजकल के जो भी कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन हो गया, या पॉमटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, टैबलेट हो गया, सभी वह माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। कौन से? माइक्रो कंप्यूटर। आगे समझ में? मैं क्या बोल रहा था, आजकल जो भी हम जिस प्रकार से भी कुछ भी यूज कर रहे हैं वह किसके अंतर्गत आता है? माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में हुआ। कब हुआ? 1970 में, जब सीपीयू का आविष्कार हुआ। कब सीपीयू का आविष्कार हुआ? कब? 1970 में, तब माइक्रो कंप्यूटर का भी आविष्कार हुआ। मतलब अभी इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न होते, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग नहीं किया जाता था, इसमें वीएलएसआई का उपयोग किया जाता था। हार्डवेयर के तौर पर इसमें वीएलएसआई तथा यूएलएसआई का उपयोग होते थे। अब वीएलएसआई क्या है? जिसका हम अभी आईसी बोलते हैं, यह आईसी हो गया सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ हो गया, परंतु यह हो गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड
सर्किट। आगे समझ में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तथा यह हो गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे समझ में, अभी माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग न होते हुए उसमें माइक्रो कंप्यूटर में VLSI तथा USLI का उपयोग होता था, तो इसकी मेनफ्रेम कंप्यूटर तथा मिनी कंप्यूटर से अधिक छोटा था तथा उसके मुताबिक यह ज्यादा प्रोसेस में गति से कार्य करता था तथा इसकी स्टोरेज क्षमता भी अधिक थी तथा यह 8 बिट, ठीक है, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 64 बिट के 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर पर वर्क होता था। माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क होता था, ठीक है, ठीक है। जब सीपीयू का विकास हुआ 1970 में, तब मल्टीमीडिया का भी विकास हुआ। मल्टीमीडिया का विकास हुआ जिससे हम कम्युनिकेशन भी कर सकते थे, संचार कर सकते थे। संचार कैसे कर सकते थे? जब माइक्रो कंप्यूटर बने तो माइक्रो कंप्यूटर को आपस में एक नेटवर्क की जाल की तरह हमने कनेक्ट किया और एक दूसरे से बाहर संचार स्थापित किया, ठीक है। यह किसके द्वारा हुआ? माइक्रो कंप्यूटर के द्वारा ही हुआ। और माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, मैंने आपको बता दिया था। पर्सनल कंप्यूटर आता है, जो पर्सनल कंप्यूटर आज हम देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर पीसी, पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, इसके अंतर्गत माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, सभी आपको वह एकीकृत होकर आपको पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर दिख जाएगा, स्पीकर वगैरह, ठीक है। इसमें सीपीयू होते थे, मेमोरी होती है, ठीक है, मेमोरी होती थी तथा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जिससे यह बढ़ता था या चलता था, जिससे यह चलता था तथा बोला जाएगा जिसकी प्रमुख मुख्य कंपनियां कौन सी थी। प्रमुख मुख्य कंपनियां आईबीएम, इंटेल जिसका उपकरण बनाती थी, उसी के साथ लेनेवो, एप्पल, ठीक, एचपी, डेल, इसकी प्रमुख कंपनियां है, ठीक है, समझ में आ गया। तथा इसको मल्टीटास्किंग पर्सनल कंप्यूटर, मल्टीटास्किंग उपकरण भी बोल सकते हैं, यंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंतर्गत एक साथ कई प्रकार के कार्य भी हम कर सकते हैं तथा इसकी स्टोरेज क्षमता भी अधिक होती थी, इसका काम करने के स्पीड भी बहुत अधिक होती थी, ठीक है। ये हो गया पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लैपटॉप या नोटबुक। लैपटॉप का क्या होता था? लैपटॉप अभी आप सभी जानते हैं, सभी के पास लैपटॉप होगा, पढ़ाई के लिए सभी प्रकार के हम उपयोग के लिए लैपटॉप का उपयोग करते हैं, ठीक है। परंतु लैपटॉप हम पर्सनल कंप्यूटर जैसे एक जगह बैठकर हम उसको यूज कर सकते हैं, वह एक पोर्टेबल कंप्यूटर बोल सकते हैं उसको हम। पोर्टेबल कंप्यूटर मतलब हम उसको कहीं भी ले जाकर वहां इसका अंतर्गत कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर मदरबोर्ड, सीपीयू, ALU सभी उसके अंदर होता है, उसके अंदर कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर, जो भी प्रोसेस कंप्यूटर में होती है वो एक प्रकार की प्रोसेस हम लैपटॉप में भी कर सकते हैं, समझ में आ गया।
लैपटॉप मतलब हो गया, अब बोलते हैं जैसे मैंने पोर्टेबल कंप्यूटर बोल दिया, तो लैपटॉप का मीनिंग ही होता है लैप और टॉप, मतलब गोद में बैठकर कार्य करना, गोद में लेकर कार्य करना, उसका एक मुख्य कार्य है। ठीक है, ठीक है। सबसे मुख्य बात लैपटॉप का, आप नोट करते चलना, लैपटॉप का विकास 1980 में कब, सॉरी 1981 में एडम आर्सबर्न, एडम आर्सबर्न द्वारा लैपटॉप का विकास किया गया था। कब, 1981 में, 1981 में। जिसके अंतर्गत आपको मैंने जैसे बताया था कि ये माउस होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, फोल्ड करने वाला मॉनिटर होता है, इसके अंतर्गत सीपीयू भी होता है तथा इसमें इंटरनेट चलाने के लिए वाईफाई तथा ब्लूटूथ की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत होता है लैपटॉप के अंतर्गत। ओके, अब हम टैबलेट देखते हैं, टैबलेट क्या होता है। टैबलेट एक लैपटॉप की तरह ही कार्य करता है, परंतु उसको हम हाथ में लेकर कहीं भी घूम सकते हैं। हाथ में लेकर कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, हाथ में लेकर कहीं भी ले जा सकते हैं। कार्य वही होता है, यह पूर्णतः टच स्क्रीन होता है। कौन सा होता है? टच स्क्रीन होता है। टच स्क्रीन होता है पूर्णतः, जिसमें हम सिर्फ अपने उंगलियों से टच करके उसके अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आज के जमाने में सभी के पास स्मार्टफोन होंगे, सभी के पास स्मार्टफोन होंगे, जिसके अंतर्गत हम इंटरनेट चलाते हैं, जिसके अंतर्गत हम किसी भी प्रकार का कार्य हम अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं। संचार के माध्यम हो गया, इंटरनेट का माध्यम हो गया, कोई सूचना को एकत्र करने का माध्यम हो गया, हम अपने लैपटॉप से फोटो खींचना, वीडियो बनाना तथा कोई फाइल बनाना, फाइल को एडिट करना, गाने सुनना, हम सभी प्रकार का कार्य अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। अब बात करते कौन सी, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले हमने सभी प्रकार के स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी वगैरह, नोटबुक, टैबलेट के बारे में हमने बात कर लिया। हम पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर। अब हम पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर एक अत्यधिक तीव्र कंप्यूटर होता है, अत्यधिक तीव्र कंप्यूटर। वह अत्यधिक तीव्र, इसकी प्रोसेसिंग क्षमता अत्यधिक तीव्र होती है, इसकी स्टोरेज क्षमता अत्यधिक तीव्र होती है, इसलिए इसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। इसी के साथ इसमें क्या होता है, एक्चुअल में इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जब इसका हार्डवेयर की बात करें तो इसके हार्डवेयर में माइक्रो प्रोसेसर, हजारों माइक्रो प्रोसेसर किस फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में सीरीज फॉर्म में यह हजारों माइक्रो प्रोसेसर, वो अत्यधिक अधिक क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर, अत्यधिक स्पीड में काम करने वाले माइक्रो प्रोसेसर का संयोजन करते हैं या कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं, उसके बाद हम सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। सुपर कंप्यूटर क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया। सुपर कंप्यूटर सबसे पहले
सुपर कंप्यूटर की स्पीड प्रोसेसिंग स्पीड मापने में सबसे पहले एफ एल ओ ई एस मतलब इस फॉर्म में, इस मानक फॉर्म में इस गति को हम सुपर कंप्यूटर का मापते हैं, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इसको हम सुपर कंप्यूटर को इस मानक मात्रा में, इस मानक गति में हम मापते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर अमेरिका में बनाया गया था। अमेरिका की एक कंपनी थी, रिसर्च कंपनी क्रे रिसर्च कंपनी ने सबसे पहले अमेरिका में सुपर कंप्यूटर बनाया था तथा ठीक है तथा सेम और क्रे मतलब मोर क्रे को द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। किसको? सेम और क्रे को, क्योंकि इन्होंने क्रेज रिसर्च कंपनी में सबसे पहले अमेरिका में सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिसकी स्थापना, इस कंपनी की स्थापना सेम और क्रे ने की थी, इसलिए इनको ही फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर मतलब सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता, सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता, सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इतना सुपर कंप्यूटर यह एक बड़े से हॉल में, बड़े से घर में एक हजारों माइक्रो प्रोसेसर को एक सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करके बनाया जाता है। ठीक है, तथा इसकी गति क्षमता अत्यधिक तीव्र होती है। यह हो गई बात सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने बनाया तथा हम उसके बाद बात करते हैं कि भारत में सुपर कंप्यूटर कौन सा है या किसने बनाया। भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर जो बनाया था उनका नाम था डॉक्टर विजय भास्कर को, जो एक पुणे की कंपनी थी जिसका नाम है सीडेक, जिसका नाम क्या है सीडेक मतलब सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग बैक। ठीक, और ये कब बनाया था 1991 में सबसे पहले डॉक्टर विजय भास्करन सीडेक कंपनी में इन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया था, और जिसका नाम था परम 8000। यह बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है कि सबसे पहले भारत में कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया था, तो वह है परम 8000। किसने बनाया था? डॉक्टर विजय भास्कर। कौन सी कंपनी ने बनाया था? सीडेक ने। तथा किस वर्ष बनाया था? 1991 में बनाया था। ठीक है, तो इसी के सीडेक के निर्देशक थे ये विजय भास्कर तथा इनको सन 2003 में पद्म भूषण
पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर के कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर में सबसे पहले भारत में 8000 परम 8000 सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग देखिए तो इसका उपयोग अनेक क्षेत्र में होता है। सबसे पहले तो रिसर्च में होता है, सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि में होता है, मतलब खगोलीय अनुसंधान में होता है वैज्ञानिक दृष्टि में, तथा उसके बाद तकनीकी क्षेत्र में, ठीक है, उसके बाद पेट्रोल उद्योग, ठीक है, उसके बाद पेट्रोल उद्योग या तेलों का पता लगाने में, तथा उसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान में मुख्यतः इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम विज्ञान में, खगोलीय विज्ञान में, भूमंडलीय विज्ञान में इसका सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का विकास यही तक रखते हैं। हमने सभी प्रकार के कंप्यूटर के विकास के बारे में जान लिया। अगला हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की कार्य पद्धति, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कार्य पद्धति, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। हम यह लेक्चर यही तक सीमित रखते हैं। हम कंप्यूटर की आपको क्लास की कैसी लग रही है कृपया कमेंट्स करके बताएं, तथा हमारे चैनल को प्रोत्साहित करें, सब्सक्राइब करें और अपने जरूरतमंद दोस्तों तक पहुँचाएं। ठीक है, धन्यवाद।